नमस्ते दोस्तों, मैं आशा हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आशास माइंडफुल लिविंग यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल के वीडियो को देखा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। अब बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हेलो दोस्तों, आप सभी का आशास माइंडफुल लिविंग चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं वीट ग्रास के फायदे और उपयोग के बारे में। टीटिकम एस्टिवम लिनन, जिसे गेहूं या गोधुमा भी कहते हैं, जब से कृषि शुरू हुई है दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली अनाज घास फसलों में से एक है। इसका खाद्य उत्पाद के रूप में उपयोग पुराना है। हाल ही में गोधुमा पत्र या वीट ग्रास नामक इसकी पत्ती काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। वीट ग्रास टीटिकम एस्टिवम पोएसी परिवार का एक युवा अंकुर है। वीट ग्रास रस या हरा रक्त आपको सभी आवश्यक पोषक तत्व दे सकता है। यही कारण है कि इसे संपूर्ण भोजन भी कहा जाता है। वीट ग्रास का पोषण मूल्य, यह क्लोरोफिल से भरपूर होता है। इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, प्रो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12, फोलिक एसिड और पाइरीडोक्सिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम और आयरन जैसे खनिज भी होते हैं। इसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन और एंजाइम भी होते हैं। उदाहरण के लिए एमाइलेज, प्रोटीज, लाइपेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सुपरऑक्साइड, डिस्म्यूटेज और ट्रांसहाइड्रोनेज। ग्रास के गुण, इसमें मोटापा विरोधी गतिविधि होती है। यह संभावित कैंसर विरोधी गुण दिखाता है। इसमें पेट फूलने रोधी गुण होते हैं। इसमें विसहरण गुण होते हैं। यह हृदय के लिए कुछ सुरक्षात्मक लाभ दिखाता है। इसमें हृदय के लिए सुरक्षात्मक गुण होते हैं। वीट ग्रास के संभावित उपयोग, पाचन विकारों में सुधार करता है, कान के रोगों के लिए अच्छा है, जोड़ों के रोगों के लिए अच्छा है, माइग्रेन के लिए अच्छा है, श्वसन संबंधित रोगों के लिए अच्छा है, दांत संबंधित विकारों के लिए अच्छा है, किडनी विकारों के लिए अच्छा है, त्वचा रोगों के लिए अच्छा है। वीट ग्रास प्रील्यूकेमिया और स्तन कैंसर में मदद कर सकता है। वीट ग्रास जूस का उपयोग करने से कैंसर रोगी जो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, एलोपैथिक उपचार या सर्जरी से गुजर रहे हैं, कुछ फायदे हो सकते हैं। वीट ग्रास में सेलेनियम और लेट्राइल पाए गए हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को कम कर सकते हैं। वीट ग्रास का उपयोग कैसे करें? आप निम्नलिखित चरणों में जूस तैयार करके वीट ग्रास को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ताज़ा वीट ग्रास लें, इसे अच्छी तरह से काट लें और कुचल लें। कुचले हुए गेहूं के ज्वारे को कपड़े के पतले टुकड़े में लपेटें या प्लास्टिक की छलनी का उपयोग करें और रस को छान लें। वीट ग्रास जूस बनाने के लिए आप इलेक्ट्रिक जूसर या मिक्सर का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लाभकारी प्रभाव प्राप्त करने के लिए आप वीट ग्रास को चबा भी सकते हैं या पाउडर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स, लाइक, शेयर कीजिए। चैनल के सपोर्ट के लिए और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नई अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।